गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू भाई? आज एनर्जी थोड़ी कम लग रही है तुम्हारी, पता नहीं क्यों। ऑल गुड? अपन 2 दिन पहले ही मिले थे। यस यस, आई एम एकदम मस्त। थोड़ा आ जाओ, थोड़ा ट्रैक पे आ जाते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा एनर्जी ला दो वापस से, लोग ट्रैक पे आ जाओ। लास्ट टाइम का एक बार देखा कि नहीं देखा है तुम लोग ने? ऐसे मुंह उठा के नहीं आए ना लेक्चर में? सब लोग आए ना? ऐसा थोड़ा रिवाइज विवाइज किया है कि नहीं किया है? देखा है ना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई? एक सेकेंड, ना पढ़ाई किया है ना? एक बार देखा तो है ना क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट लास्ट सेशन में? उतना तो पता है ना तुम्हें? हाँ चलो, वेरी गुड। सो वी स्टार्टेड विथ समथिंग नोन एज ऑप्टिक्स। हम लोग ने देखा कि तुम्हारा मिरर क्या होता है, तुम्हारा लेंस क्या होता है। हम लोग ने उसके बेसिक फॉर्मूला देखे थे। देन वी फाउंड आउट दैट व्हाट विल बी योर रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल सरफेस। सो अगर एक सिंगल सरफेस रहेगा तो क्या होगा, तो वो हम लोग ने एक देखा था, राइट? रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल सरफेस। दूसरा हम लोग ने देखा था कि एक रिफ्रैक्शन सिंगल सरफेस। दूसरा हम लोग ने देखा लेंस मेकर्स इक्वेशन। सो लेंस मेकर्स इक्वेशन में हम लोग ने क्या देखा कि भाई पूरा लेंस एक साथ आ गया। तो जब पूरा लेंस जब एक साथ आता है तो क्या होता है? सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या बोला था मैंने, अगर तुम्हारा मिरर आ रहा है, सो मिरर यूजेज योर प्रिंसिपल ऑफ वॉट? मिरर यूजेज योर प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड योर लेंसेस, दे यूज अ प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग ने वो जुगाड़ करके हम लोग ने बताया कि भाई ये जो लेंस मेकर्स इक्वेशन कैसे डिजाइन हो सकता है इसके अंदर। तो हम लोग ने वो उस तरीके से दो एक 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 सरफेस कंसिडर करके पहले एक रे ऑफ लाइट हम लोग ने लिया, फिर उसके हिसाब से एक वर्चुअल इमेज बनेगा, फिर वो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, वो हम लोग ने देखा। एंड देन वी फाउंड आउट दैट देर इज वन अपॉन एफ का और एक फॉर्मूला, राइट? तो वो हम लोग ने उसके उस तरीके से हम लोग ने लिखा। एंड दैट वी ऑल्सो रोटेट फॉर योर कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस। सही है? इतना फंडामेंटल लॉजिक सबको क्लियर? इतना जो मैंने बोला था इतना सबको क्लियर, राइट? इतना हम लोग ने किया था। एंड आई अज्यूम कि तुम लोग ने एक बार वो देखा है। ओके, सो आज हमें क्या करना है, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें आज सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जितना होता है उतना आज खत्म करते हैं। आज अभी चैप्टर बहुत हो गया है, अभी चैप्टर बहुत लंबा था, थोड़ा खत्म करते हैं जल्दी से, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ अलग से अपन स्टार्ट कर सके। सो आज कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम होता है। टेलीस्कोप का इतना बड़ा प्रूफ वगैरह है नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपने आप आ जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया तो टेलीस्कोप भी अपने आप आ जाएगा। सो नॉट इट इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस। सो अपने आप वो तुम्हारा हो जाएगा, वो देखते हैं ना तू इन, ठीक है? सो फटक से स्टार्ट करते, थोड़ा अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर LDDV क्या होता है, कौन है ये BRO1NE03? वीडियो लैग कर रहा है क्या मेरा? अगर लैग कर रहा है तो तू रिजॉइन कर दे बेटा, बिकॉज मेरे इधर से कुछ लैग नहीं है, तो एक बार रिजॉइन कर दे, शायद वो तेरा ग्लिच दूर हो जाएगा। सो विल क्विकली स्टार्ट, थोड़ा बेसिक्स अपन 2 मिनट में ख़त्म कर दे। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फटाक से, ऑल ऑफ यू विथ मी, ऑल ऑफ यू विथ मी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय योर लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, सबका ध्यान इधर है, सब लोग आड़े टेढ़े बैठे हो तो सीधे बैठ जाओ। पहले तो आज का थोड़ा एक एक डेढ़ घंटा थोड़ा मेरे साथ शांति से बिताओ आज, ठीक है? सब लोग मेरे साथ हैं एकदम अच्छे से। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन? चलो पहले समझने का कोशिश करते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। ये लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी डिफाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू योर लेंस, ऑब्वियसली। ओके, सो हम लोग इसमें ऐसे कुछ, अगर इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, तो सबसे पहले एक लेंस बना देते हैं। सो ये अगर तुम्हारा लेंस है, ओके, और ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, एक डिजाइन ट्रेस तो करना ही पड़ेगा, राइट? सो चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि इधर तुम्हारा मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, सो दिस इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का हाइट इज नथिंग बट एच ओ, और ये इधर से ये ऑब्जेक्ट का ट्रेवल पाथ कुछ ऐसा है, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासिस थ्रू फोकस, राइट? एंड लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज अनडिविएटेड, बराबर? सो हमें, अरे रे एक सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर इट गोज अनडिविएटेड। सो हमें ऐसा एक पॉइंट पे वी फाउंड आउट समथिंग के इधर से एक फोकस से एक पॉइंट पे बोथ दिस रेज, देर इज वन मीटिंग पॉइंट, और वो वन मीटिंग पॉइंट पे क्या आ रहा है, तुम्हारा इमेज आ रहा है, ठीक है? सो इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन थिंग्स, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ओके? और भी अगर चीज़ें तुम्हें डिफाइन करनी है तो हम लोग और भी बोल सकते हैं
ये इधर से लेके इधर तक, ये पूरा इधर से लेके इधर तक क्या हो जाएगा तुम्हारा यू, बराबर ना, और इधर से लेके इधर तक क्या हो जाएगा तुम्हारा वी. सो दिस इज नथिंग बट योर यू एंड दिस इज नथिंग बट योर वी, दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड योर इमेज डिस्टेंस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर लीनियर मैग्निफिकेशन, सो इट इज नथिंग बट द प्रिंस, हम लोग ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ योर लीनियर साइज ऑफ द इमेज टू लीनियर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नो 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 कोमल, जस्ट हैव स्टार्टेड. सो ये तुम लोग ने बचपन में क्या, अभी 10वीं में किया रहेगा, 9वीं 10वीं में ये सब किया रहेगा, वही मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये यूज़ करना है, ये मुझे यूज़ करना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, सब लोग मेरे साथ आ, तो इसके अंदर हाँ, नॉट एन इशू सोम, मुझे तो सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट चाहिए था. ठीक है, सो इधर हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को. सो इफ आई वॉन्ट टू राइट आउट, आई कैन राइट लाइक दिस, मैग्निफिकेशन एम इज नथिंग बट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज नथिंग बट योर इमेज डिस्टेंस, रेशियो ऑफ योर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो ये दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन, द बेसिक थिंग, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें दिमाग लगाने वाला जैसा ऐसा कुछ था नहीं. दूसरा हम लोग करते हैं पावर. पावर तुम्हें याद है पावर कैसे निकालते हैं हम लोग? पावर ऑफ लेंस है बाय द वे, पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते? यस, वेरी गुड ऋतुजा, पावर ऑफ लेंस, वेरी गुड आयुष. ठीक है, सो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट, अगर हम लोग डिफाइन करना हो तो एकदम सिंपल तरीके से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेंस तुम्हारा कितना कॉन्वर्ज या फिर कितना डाइवर्ज करेगा. समझा? लेंस तुम्हारा एक बीम आ रहा है, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, उसको कितना कॉन्वर्ज या फिर उसको कितना डाइवर्ज करेगा, दैट इज नथिंग बट अ पावर ऑफ लेंस एंड वन अपॉन एफ. यस, वेरी गुड प्रणव. ओके, सो पावर को हम लोग लिख सकते हैं, पावर इज नथिंग बट इक्वल्स टू वन अपॉन एफ एंड यूनिट इज नथिंग बट योर डायोप्टर. अच्छा, इसमें और एक कैच है, इसमें अगर तुम्हें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया है कि ऐसा कुछ मटेरियल कुछ अलग है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय म्यू. ये वन हम लोग किसके रिस्पेक्ट से रहते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कुछ अलग मटेरियल नहीं लेते हैं. तो अगर तुम्हारा कुछ अलग मटेरियल आ रहा है तो वी मल्टीप्लाई इट बाय म्यू. ये एक चीज, छोटा सा चीज याद रखना, काफी सारी जगह पे तुम लोग ये फेस करोगे. ओके, सो ये एक छोटा सा चीज याद रखना. सो यूनिट इसका क्या होता, क्या होता है तुम्हारा यूनिट इसका? डायोप्टर. So I'll write down diopter. So D. Cool. Yes. So पूरा अगर टोटल निकालना है तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन 1 मीटर इज नथिंग बट योर डायोप्टर. तो ये हो गया तुम्हारा पावर ऑफ लेंस, अगर कुछ अलग मीडियम है. हाँ, तू इन वही बोल रहा हूँ. तो अगर कुछ अलग मीडियम है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. सो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी रहेगा, म्यू रहेगा. यस, वो मीडियम जो भी रहेगा, वाटर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू 1/f, सो 1.5 इंटू 1/f वैसा हो जाएगा. ठीक है, सो यस, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. एफ इज फोकल लेंथ, फ्रीक्वेंसी मत बोलना नमूनो. काफ़ी लोग आते हैं वन अपॉन फ्रीक्वेंसी सर, भाई वो इसके लिए वो अलग, मैंने वो एफ एफ का मैं डिजाइन भी अलग लिखता हूँ. ठीक है, सो पावर इज नथिंग बट वन अपॉन फोकल लेंथ. ओके, सुनो ना तुम लोग ने, उल्टा फुल्टा करके मत आना, वो छोटा छोटा चीज रहता है ना, उधर ही वो हो जाता है, तकलीफ हो जाती है. ठीक है, और तीसरा होता है तुम्हारा LDDV और DDV, जो भी तुम्हें बोलना है, और D इन बेसिक टर्म्स, दैट इज समथिंग बट योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्या बोलते हैं हम लोग? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. चलो, ये होता क्या है, ये भी तुम लोग ने बचपन में देखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है बाय द नेम इटसेल्फ. यस, 25 सेंटीमीटर. तो मैं एकदम नजदीक कुछ ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो भी मुझे नहीं दिखेगा, एकदम दूर भी रख दूंगा तो भी मुझे नहीं दिखेगा. सो व्हाट इज द आइडियल कंडीशन? आइडियल कंडीशन क्या है? तुम लोग ने फोन किया, तुम लोग एक रूम में बैठे, तो रूम के कॉर्नर में फोन रखा है क्या? फोन या फिर सिस्टम, तुम्हारा लैपटॉप वैपटॉप जो भी रहेगा, नहीं ना, एक एक्सेप्टेबल डिस्टेंस पर रखा है ना. अभी मैंने भी एक एक्सेप्टेबल डिस्टेंस में खुद बैठा हूँ ताकि मुझे भी मेरा स्क्रीन दिखाई दे, राइट? ये क्या बोल रही ऋतुजा? वो तो जस्ट मैं बता रहा था रे ऋतुजा, एग्जाम्पल है. हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना लेते? 25 सेंटीमीटर.
राइट, अकॉर्डिंग टू आयुष इट इज 5 miles, ऋषिकेश। हाँ वही बोल रहा हूँ, ऋतुजा वो तो ऐसे ही मैं डायग्राम बता रहा था ना, तो मैंने ऐसे ऐसे सच कुछ डिस्टेंस वगैरह कंसिडर नहीं किया। आगे होगा, अभी आगे जब हम लेंस का अभी वो करेंगे ना तभी हम लोग करेंगे, तो सिर्फ बताने के लिए मैं बता रहा था कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सो हम लोग इधर लिख सकते हैं कितना, क्या बोल रहा था मैं, 25 सेंटीमीटर। सो दिस नथिंग बट योर 25 सेंटीमीटर। ओके, सो इतना एकदम प्रिसाइसली अगर तुम्हें देखना है तो उनको यूज कर सकता है। स्पेक्स पीपल नो दिस, यस स्पेक्स पीपल कैन नो दिस ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, हाँ मतलब 25 सेंटीमीटर इज एक्सेप्टेबल, वैसा कि एकदम मस्त क्लियर कट एकदम देखना है तो वैसा, विदाउट स्ट्रेनिंग योर आइज, फाइन। सो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा एक दो चीजें अगर पॉइंट आउट करना हो तो इसमें और कुछ एडअप करने नहीं ना, हो गया ना। देखो और अगर तुम्हें करना है, अगर इमेज तुम्हारा रियल है ना, तो एम इधर इधर तुम लोग और एक दो पॉइंट यूज कर, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर तुम्हें चाहिए तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज योर एम इज नेगेटिव, सॉरी हाँ एम इज नेगेटिव, रियल इमेज एम इज नेगेटिव एंड योर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज एम इज पॉजिटिव। ठीक है, एम मीन्स मैग्निफिकेशन, यस। ये कौन है, BR01NE, रीनेम ना, रीनेम कर देना, क्या नाम है तेरा, रीनेम योर सेल्फ ना। ठीक है, सो इतना फंडामेंटल लॉजिक तुम्हें समझ में आया, ये क्या था एकदम इजी। अगर नहीं हो रहा है यार, हाँ वो तो है, वो टेस्टिंग ही तुम्हारा वैसे ही करता है, राइट। चलो सो अभी हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं आगे। सर पुट आर रूल नंबर्स फर्स्ट एंड देन आर नेम्स। अच्छा रूल नंबर पहले डाला है क्या, ओके ओके, मुझे नहीं पता था। उस वो जो है ना, क्या नाम था उसका, तेरा सिर्फ रोल नंबर ही दिख रहा है मुझे, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। बाकी लोग का स्टार्टिंग में रोल नंबर और नाम दोनों दिख रहे हैं, इसके लिए मैंने बोला। चलेगा चलेगा, हिमांशु, वेरी गुड। चलो हिमांशु है वो अपना, ठीक है देख लो एक बार। इधर तक कुछ एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने, एकदम बेसिक हम लोग ने कर दिया, अपना काम हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो थोड़ा वर्कआउट करते हैं आगे। फ्लिप करूं मैं, फ्लिप करूं, ओके चलो फ्लिप करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो सी इधर अभी एक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोस्कोप, कौन सा, सिंपल माइक्रोस्कोप, एकदम इजी तरीके से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं, हल्का सा लॉजिक। क्या हुआ कोमल, देख ले फटक से देख ले, तब तक सब बाकी लोग मेरी बात सुनो। सिंपल माइक्रोस्कोप एकदम सिंपल सा लॉजिक, जैसे तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास तुम लोग ऐसा रखते हो, एक एक्सेप्टेबल डिस्टेंस पे हम लोग को लेके जाना पड़ता है, ऐसे ही किधर भी ऐसा रख दिया तो हमें दिखता नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, हमें ऐसा कुछ एक एक्सेप्टेबल डिस्टेंस पे ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके जाना पड़ता है, एक फोकस के एक एक्सेप्टेबल फोकल लेंथ के अंदर आता है, और फिर वी फाइंड आउट दैट द जो भी तुम्हारा इमेज आता है, वी गेट वन मैग्नीफाइड इमेज, राइट। सो वैसा करके हमें करना पड़ता है ना, वो एडजस्ट करके करना पड़ता है इन शॉर्ट, बराबर। सो वो फोकल लेंथ के अंदर तुम लोग एडजस्ट करके लाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बराबर। सो वैसे ही सेम होता है क्या तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन तकलीफ है इसमें भी, तकलीफ है। तकलीफ क्या है कि यार अगर मैं फोकल लेंथ में बढ़ाने का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट अ लार्जर इमेज, बड़ा इमेज मुझे देखना है, सो बड़ा इमेज देखना, बड़े इमेज के साथ वर्कआउट करना, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, है ना, कि वो इजीली नहीं हो सकता वो, बराबर। सो बड़ा इमेज करना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, हाँ सब है यार सोहम, कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या, सब कुछ ए टू जेड सब करेंगे अपन। सो बड़ा इमेज अगर चाहिए तो बड़े इमेज में थोड़ा मच मच भी करना पड़ेगा तुम्हें, इजीली तो होगा नहीं अगर तुम्हें बड़े इमेज के साथ काम करना है तो, राइट। सो अगर वो बड़े इमेज के साथ काम करना है तो तुम्हें वो लेंस का क्वालिटी भी बदलना पड़ेगा, है ना, तो वो तकलीफ है। यस वेरी गुड सोहम, तो मैं एक सिंगल लेंस को कितना मैं मॉडिफाई करूँ, एक सिंगल लेंस को कब तक मैं मॉडिफाई करूँ, एक लिमिट के बाद आई कैन नॉट इंक्रीज ना। फिर देखो अगर तुम लोग को पता रहेगा ना, जिसको ये बहुत बड़े आँख के नंबर रहते हैं ना, दे हैव वेरी थिक ग्लासेस,
नोटिस किया है कभी, जिसके बहुत ज्यादा नंबर रहते हैं नाक के, तो एकदम मोटे मोटे एकदम बड़े बड़े ग्लासेस। मेरे एक दोस्त है, उसके 12 नंबर है, तो जब वो चश्मे उतारता है ना तो उसकी आंखें इतनी छोटी छोटी लगती है, उसको दिखता ही नहीं है कुछ भी, और लेकिन उसके ग्लासेस इतने इतने झाड़े झाड़े ग्लासेस है उसके, एकदम झाड़े झाड़े ग्लासेस रहते हैं उसके। सो वो इतने मोटे ग्लासेस, फिर वो कब तक हम लोग करे वो उसको। वो अगर मॉडिफिकेशन वैसा होता है, सो देर आर मल्टीपल डिफेक्ट्स एज वेल। अभी तुम लोग ये माइक्रोस्कोप वगैरह सब लोग बाबू भैया बाबू भैया बाबू भैया बोल रहे हैं। सो मैं ये तुम्हें बोल रहा था, हाँ वैसे ही बाबू भैया जैसे ही, भाई देवे यू ऑल राइट। सो मैं ऐसा बोल रहा था तुम्हें कि वो जो एक डिफेक्ट होना स्टार्ट होता है, ओके सो डिफेक्ट आना, नहीं मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर लेस है, मुझे नहीं है चश्मे, नहीं है मुझे, दिस इज ब्लू कंट्रोल ग्लासेस, चलेगा ना सोम। तो वो एक डिफेक्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो तकलीफ होती है। तो अभी तुम लोग माइक्रोस्कोप को क्या छोटे लेवल पे तो यूज नहीं करोगे, बराबर ना यार, माइक्रोस्कोप को छोटे लेवल पे यूज करने वालों क्या? अरे तुम लोग 10^-3, 10^-3 से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स वही देखने को तुम लोग काम वो उसको यूज करने वाले हो, तो ऑब्वियसली तुम लोग को उसमें वर्कआउट थोड़ा वो लेंस में करना ही पड़ेगा, तो बिकॉज ऑफ विच हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करना पड़ा, दैट इज समथिंग बट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो हम लोग दो लेंस का कॉम्बिनेशन करके हम लोग जुगाड़ करने का कोशिश करेंगे। तो अगर तुम लोग ने कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में अगर तुमने देखा रहेगा, सो यू हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, तो तुम्हारा दो लेंस रहते हैं, तुम लोग दोनों को एडजस्ट करते हो, और दोनों को एडजस्ट करने के बाद तुम लोग को दिखता है। हाँ हाँ प्रणव। सो अगर हम लोग देखे, हाँ अभी अलग अलग तरीके से आजकल तो खुद के भी नाम देते हैं लोग कोमल, ठीक है। सो चलो अपन ना, मैं अभी से अभी सब लोग थोड़े अलर्ट हो जाओ, थोड़ा काम पे ध्यान देते हैं, पहले मुझे सिखाने दो क्या करेंगे। मेथोडोलॉजी पूरा सेम, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पूरा मेथोडोलॉजी सेम, कुछ भी फर्क नहीं, सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। वो मेथड ऐसा है, मैं पहले पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, विल फाइंड आउट अल्फा, विल फाइंड आउट बीटा, विल रीसब्स्टिट्यूट थिंग्स एंड विल गेट द केसेस, अल्फा बीटा रीसब्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। उसमें से अल्फा तीनों में सेम रहेगा, अल्फा कभी भी बदलेगा नहीं, तो मैं एक स्क्रीन पे अल्फा बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। सो अल्फा विल बी विथ योर अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब क्या होता है, देर विल बी नो लेंस इन फ्रंट ऑफ योर आई, लेंस या फिर कुछ भी आगे कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्टली यू एंड द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज व्हाट योर अनएडेड आई। सो फर्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बीटा क्या करेंगे, बीटा हम लोग लेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट विल बी नथिंग बट योर बीटा, और फिर लास्ट में हम लोग रीसब्स्टिट्यूशन, जुगाड़ इधर उधर वो सब हम करेंगे, ठीक है। तो चलो विल स्टार्ट विद सिंपल माइक्रोस्कोप एंड विल एंड अप विद योर टेलीस्कोप। सो तीन चीज टारगेट रखते हैं, अपने पास टाइम है अच्छा खासा, तो फटाक से अपन तीन चीज टारगेट रखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। सोए वोए हो, इधर उधर ध्यान है, चैट वैट कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रोल कर रहे हो, इधर उधर ध्यान है, वापस आ जाओ 10 मिनट 15-20 मिनट मेरे साथ रहो, ओके। वेरी गुड कोमल, याद है तुझे, ठीक है ये सुरु। तो चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं, तो इधर हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, विल गेट द हेडिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो चलो समझने का कोशिश करते हैं, फर्स्ट मैंने क्या बोला, फर्स्ट ये स्क्रीन कांस्टेंट रहेगा अपना, चाहे कुछ भी हो जाए ये स्क्रीन कांस्टेंट रहेगा तीनों में। तो चलो फर्स्ट विद योर अनएडेड आई, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अनएडेड आई हम बना देते हैं। सो अगर ये एक मैंने रख दिया ऐसे कुछ, ठीक है, और एग्जांपल देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया, ये कैसे रख दिया मैंने, ठीक है, और इधर मैं रख देता हूँ मेरे एक ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट रख देता है इधर एक, ठीक है। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कलर ये लेते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो चलो अभी ये तुम्हारा आँख है ना, आँख तुम्हारा आँख इधर है, दिस इज योर आई, तो इधर तुम्हारा आँख है, ओके। तो अभी होगा क्या, सो रेज ऑफ लाइट विल डेफिनेटली दिल ट्रैवल, सो एक इधर से तुम्हारा रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा और दूसरा इधर से भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा, एंड दे विल मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे तुम्हारे ये जो ऑब्जेक्ट है
वो तुम्हारे आंख पे फॉल करेगा, राइट। सो ऐसे करके तुम्हें कुछ तो मिला। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट कि ये ए है, ये बी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन योर आई एंड योर ऑब्जेक्ट इज समथिंग बट योर कैपिटल डी, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, मैंने कितना बोला, दिस एंटायर डिस्टेंस इज समथिंग बट योर कैपिटल डी। ओके, सो और ये जो एंगल जो बन रहा है ना, दिस एंगल इज समथिंग बट अल्फा, तो जो मैं अल्फा का बात कर रहा था वो इधर आया है। ये जो एंगल बन रहा है तुम्हारी आंख के साथ, उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, अल्फा। तो चलो लिख देते हैं क्या हो जाएगा ये। सो हम लोग निकालते हैं टैन अल्फा, सो टैन अल्फा विल बी नथिंग बट ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ऐसे रहेगा, सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा ए बी, अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा डी, सो ए बी बाई डी इज नथिंग बट योर टैन अल्फा। समझ में आया? लेकिन ऑब्वियसली ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हें टीचिंग पर्पज से ऐसा कुछ बड़ा तुम्हें बता रहा हो कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इतना बड़ा होगा क्या, बताओ तुम लोग ही मुझे बताओ, प्रैक्टिकली इतना बड़ा होगा क्या, छोटू सा रहेगा ना। सो इफ योर ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज इन रेडियंस, व्हाट डू वी डू, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को उड़ाते हैं, बराबर। तो हम लोग वो टैन के टर्म को उड़ा सकते हैं, सो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो आई कैन राइट टैन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा, सो अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा ए बी बाय डी, हेंस प्रूफ। बस ये इधर ये स्क्रीन करके अपन छोड़ देते हैं, सब में अपन यही यूज करेंगे, ठीक है, सब में अपन यही यूज करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब में यही यूज करेंगे। इतना सबको समझ में आया? चलो अभी ना, अभी लेंस को इंट्रोड्यूस करते, अभी मेन हीरो जो है अपना लेंस, उसको अपन इंट्रोड्यूस करते। पहले पहले सीख लो, पहले देख लो एक बार, ये इतना एकदम ज्यादा कुछ किया नहीं है मैंने, अगर चाहिए ना तो तुम लोग बाजू में स्क्रैच कर, मतलब स्क्रिबलिंग करते जाओ आजू बाजू में, तुम लोग अगर तुम्हें चाहिए ना रेफरेंस के लिए तो जस्ट स्क्रिबल थिंग्स, तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, तो देखो अभी इधर ये क्या मिला मुझे, अल्फा मिला। अभी मेरा टास्क क्या है, ये जो ए बी है ना, ए बी, अभी इसके सामने मैं मेरा लेंस रखूँ, तो चलो एक लेंस रखते हैं, तो इधर अपन वापस से बनाना पड़ेगा, बराबर ना। सो इधर एक अपन ऐसे बना देते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, क्योंकि और डेरिवेशन भी तो लिखना है हमें, और इधर हम लोग कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम लोग, ये लेंस बना रहे हैं, ठीक है, इधर लेंस बना रहे हैं। फटक से देख, फटक से देख आयुष, ये ले, इजी है ना एकदम, ज्यादा कुछ है नहीं, डन, चलो वेरी गुड, यस यस यस, अपूर्वा अपूर्वा है क्या, अपूर्वा। तो ये हम लोग ने ऐसे लेंस रख दिया, सब लोग मेरे साथ। अभी क्या होगा, पहले तो हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट था, ए बी, तो ए बी को हम लोग इधर ट्रेस करेंगे, इधर इधर रख देते हैं लेंस के सामने, ये ए बी को जब लेंस के सामने रख देते हैं, ठीक है। अभी होगा क्या, हम लोग को पता है कि मेरा आंख ना हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं देखता है, दिस यू नो, कि मेरा जो आंख रहता है वो हमेशा क्या ट्रेस करता है, जो हम लोग ने सेम प्रिंसिपल किधर यूज किया था, हम लोग ने किधर यूज, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ में हम लोग ने यूज किया था, कि भाई वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं, मुझे तो दिखता है, तो इसके लिए हम लोग को ऊपर ऊपर चढ़ के मिराज में यूज किया था, राइट। तो इधर भी वो फंडामेंटल लॉजिक तो यूज होगा, लाइट तो ऑब्वियसली इतना फास्ट रहेगा, है ना। तो चलो अभी इसमें से हम लोग को क्या क्या पता है, रूल्स क्या पता है, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस पासेस थ्रू फोकस, बराबर। सो मैं इधर लगा दूं, एक फोकस से चला गया, बराबर, और दूसरा लाइन पासिंग थ्रू योर ऑप्टिकल सेंटर गोस अनडिविएटेड। ओके, तो अभी इसके रिस्पेक्ट से तुम्हें तुम्हारी आंख का पोजिशन किधर रखना पड़ेगा, ये रेज ऑफ लाइट तो नीचे जा रहे हैं, तो तुम लोग को अपनी आंख को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये लेंस के जहाँ पे रेज ऑफ लाइट फॉल कर रहे हैं ना, उधर तुम्हें तुम्हारी आंख को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारी आंख कहाँ पर आएगी पता है क्या, तुम्हारी आंख तुम्हें यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, सो इधर तुम्हें तुम्हारी आंख रखनी पड़ेगी, ये शंख नहीं है, आंख है वो, ठीक है। तो इधर क्या हुआ तुम्हारा, इसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखने जाए, तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, नहीं नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है, लाइंस पैरेलल नहीं होता है, वो रैंडम ऐसे जाता है, टेढ़े जाते थोड़े, अरे तो वो डायग्राम ही थोड़ा सिमेट्रिकल बन गया इसके लिए, और कुछ नहीं,
चाहिए तो ए वाले को थोड़ा मैं टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देयर इज सी, हाँ डाइवर्ज, यस डाइवर्जिंग रहता है। तो चलो अगर इसको हम लोग अगर पीछे से एक्सटेंड करें, बिकॉज मुझे ये दो लाइंस को किधर ना किधर तो मीट करवाना पड़ेगा, तो ही मुझे दिखेगा ना भाई क्या चल रहा है उधर जिंदगी में। तो चलो इसको मीट करवाते हैं, तो मुझे क्या दिखेगा, ये तो रेज ऑफ लाइट फॉल कर रहे हैं, ये मुझे इमेज क्या दिखेगा। सो ये जो पिंक वाला है, पिंक वाले का हमें क्या दिखेगा, इधर पिंक वाले का इमेज दिखेगा। ओके एक सेकेंड, पिंक वाले का अगर इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग तो हमें क्या दिखेगा, इसका इमेज, ठीक है। सो ऐसे करके हमें इधर एक इमेज फॉर्म होता हुआ दिखेगा, थोड़ा और टेढ़ा हो गया ना, तो ये स्ट्रेट लेके जाते थोड़ा। ओके सो ये इधर से तुम्हें क्या दिखेगा, एक इमेज मिलेगा, फाइन। ठीक है, यस एंड द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एन, यस वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा उधर हम लोगों ने रखा है, ये पोजीशन। अगर रुको अपन नामकरण सब करते हैं, पहले अपन इमेज को बना देते हैं। तो इमेज तुम्हारा किधर बना, सो इमेज तुम्हारा बन रहा है इधर, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। सो ये इमेज तुम्हारा इधर बन रहा है, ओके। सो दिस इज समथिंग बट योर ए डैश बी डैश, दिस इज समथिंग बट योर ए एंड बी, दिस इज नथिंग बट योर, ये अगर सब डिस्टेंसेस अगर तुम्हें करना है, सो ये तुम्हारा यू, ये एंगल है तुम्हारा बीटा, ओके ये है तुम्हारा इधर से लेके इधर तक तुम्हारा वी, देखो समझ में आया। एंड दिस इज नथिंग बट योर ऑप्टिकल सेंटर ओ, दिस इज नथिंग बट योर फोकस एफ, सब नामकरण कर दिया मैंने। सो एक ऐसा पोजिशन हम लोग एडजस्ट करेंगे जहाँ पे तुम्हारा रेज ऑफ लाइट विल एक्चुअली मीट, तो उस हिसाब से तुम्हारे ऐसे तुम्हें इधर इमेज मिलेगा। सो अभी चलो ये जो एंगल मैंने बीटा जो मैंने लिया है ना, तो अगर मुझे टैन बीटा बनाना हो तो अगर टैन बीटा अगर हमें करना है, सो मेरे पास इधर क्या है, इधर ए बी है, राइट। तो ए बी के हिसाब से, हाँ हाइट है अश्वत, सो ए बी के हिसाब से अगर मैं छोटू वाला ट्राइंगल लूँ तो मुझे कुछ मिलेगा। सो हम लोग के पास ऐसा कुछ है, राइट, ऐसा कुछ है, और दिस एंगल इज समथिंग बट योर बीटा, दिस इज समथिंग बट ए बी, दिस इज यू, ओके। सो इधर मैं लगा सकता हूँ टैन बीटा, टैन बीटा विल बी नथिंग बट ये ए बी अपॉन ओ बी, बना देखो मुझे इधर वो डिपेंड करता है, थोड़ा प्रॉपर ही बनाना पड़ेगा कोमल, और डिस्टेंसेस 2-2 सेंटीमीटर का रख सकते हैं। सो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ओ बी, बराबर। सो दिस इज नथिंग बट योर टैन बीटा इज नथिंग बट ए बी अपॉन यू, समझ में आ रहा है, ए बी अपॉन यू, डिड यू गेट इट। सो ये हम लोग ने क्या किया, एकदम सिंपल लॉजिक, ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने। सो ए बी अपॉन यू, मुझे बीटा का वैल्यू मिल गया, बट अगेन योर बीटा इज वेरी स्मॉल, सो योर एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा छोटू सा ही है। सो आई कैन से दैट टैन बीटा is approximately equals to beta, so beta is nothing but your ab by u। to chalo alpha bhi mil gaya tumhe, beta bhi mil gaya, abhi iska purpose kya tha, ye alpha aur beta dhoondne ka purpose kya tha, what was the sole purpose to do this? so the main purpose to find out what is your alpha and what is your beta was to find out your magnifying power, apna main task kya hai, to find out, yes magnifying power, they both are they wo log dono sync mein, dono ka relationship hai, so relationship kya hai, so magnifying power of simple microscope ko if you want to define, it is nothing but your angle subtended at the eye by the image to the angle subtended at unaided eye by the object kept at DDV। to ye tumhara magnifying power ka relationship hai between alpha and beta, aur wahi maine kiya। so in short agar tumhe jo maine abhi bola english mein agar wo nahi samajh mein aaya, main likhta hu, ha ha likhta hu to in, so magnifying power will be nothing but kya bola maine, angle subtended, angle subtended at I by image divided by angle subtended, subtended का मतलब throws, simple language, angle जो form करता है वो at
अनएडेड आई, अनएडेड आई का मतलब क्या होता है, विदाउट लेंस, अनएडेड आई बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीबी, एलडीडीबी और डीडीबी जो भी तुम्हें बोलना है, या फिर सिर्फ डीबी बोलो तो भी चलेगा मुझे, डी एलडीडीबी डीडीवी सबका मतलब एक ही। तो इन शॉर्ट एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज क्या है तुम्हारा, बीटा, समझ में आया। एंड एंगल सबटेंडेड बाय और अनएडेड आई क्या है तुम्हारा, अल्फा, समझ में आया। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैसे हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा जैसे मैग्नीफाइंग पावर इज समथिंग बट बीटा अपॉन अल्फा, हेंस प्रूफ बीटा बाय अल्फा, हेंस प्रूफ्ड, समझ में आया। चलो बीटा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो बीटा कितना दिया है तुम्हें, बीटा का मतलब क्या है, पीछे इधर ही है, सॉरी इधर क्या है तुम्हारा, ए बी, ए बी अपॉन यू द होल अपॉन, इधर क्या है तुम्हारा, ए बी बाय, ए बी बाय डी, बराबर ना, ए बी बाय डी, सो ए बी बाय डी, सो ए बी, ए बी का क्या मिला तुम्हें इधर, डी बाय यू। सो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया भाई, दबे न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, डी बाई यू, यू बाई डी नहीं रे, डी बाई डू, डी बाई यू। अरे तो तुझे पता कैसे चलेगा, पावर पता कैसे चलेगा कितना हुआ मैग्नीफाई, कौन है ये अपूर्वा निहारिका, ये आज बताया ना मैंने, ये इसको एल डी डी वी भी बोलते हैं और डी डी वी भी बोलते हैं और डी भी बोलते हैं, ठीक है। सो मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे उसका ही रेशियो लेना पड़ेगा ना, मतलब समझ में कैसे आएगा कि कितना हो रहा है, उसका पावर कितना है। सो अगर तो अगर तुम लोग लेंस का फॉर्मूला अगर इसमें पुटअप करो तो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलो लेट्स फॉर एग्जांपल इधर लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला से, फ्रॉम लेंस फार्मूला आई नो दैट वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज समथिंग बट वन अपॉन एफ। सो अभी इसके अंदर डालो, पुटअप करो, यू एंड वी बोथ आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हाँ कोमल एक सेकेंड ना, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई एंगल ए ए डैश एफ, ए ए डैश एफ, एक सेकेंड ना ऋतुजा, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से सब जो भी कैलकुलेट करते हो करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी चीज रहती है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर होती है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं योर v इज नेगेटिव, बराबर तुम्हारा इसमें अभी क्या क्या लिख सकते हैं, ये v तुम्हारा नेगेटिव होगा, तुम्हारा u भी क्या होगा नेगेटिव होगा, और तुम्हारा f क्या होगा पॉजिटिव होगा, बराबर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द लेंस। सो उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, बराबर। सो वॉट इफ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई d और इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय डी करते हैं तो कैसा दिखेगा, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई डी तो मुझे कैसा मिलेगा, ये वी को वो साइड लेके जाओ, ये जो वी है ना उसको वो साइड लेके जाओ, सो डी बाई यू इक्वल्स टू डी बाई एफ प्लस डी बाई वी, समझ में आया। पूरे इक्वेशन को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, पूरे इक्वेशन को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, डी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, और ये इसको मैं वो साइड लेके गया इक्वेशन के, तो ऐसा कुछ मिला, देखो कुछ जादू हो रहा है। डी बाई यू क्या है तुम्हारा, डी बाई यू क्या है तुम्हारा, मैग्नीफाइंग पावर। तो तुम्हें और एक फॉर्मूला मिल गया, क्या फॉर्मूला मिला, दिस इज समथिंग बट मैग्नीफाइंग पावर दैट इज समथिंग बट इक्वल्स टू डी बाई यू दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी बाई एफ प्लस डी बाई वी। तो ये तुम्हारा लेंस, ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। देखो समझ में आया, इधर तक समझ में आया, ये हम लोग ने रेशियो क्या लिया, बीटा अपॉन अल्फा का ये हम लोग ने रेशियो लिया, इधर इधर क्या किया हम लोग ने, एंगल सबटेंडेड एट बाय आई बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड एट अनएडेड आई, अनएडेड आई मतलब अल्फा, मतलब इधर लेंस नहीं रखा, सो बीटा अपॉन अल्फा का रेशियो लिया, बीटा मैंने ढूंढ के रखा था, अल्फा भी मैंने ढूंढ के रखा था, दोनों को मैंने यूज कर लिया तो डी बाय यू मिला। लेंस का फॉर्मूला मुझे पता है 1 upon v minus 1 upon equals 1 upon f, सो ये डायग्राम के हिसाब से मुझे क्या पता है, u is on left hand side, v is also on left hand side of the lens, so दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, v को वो साइड लेके गया और 1 upon v को वो साइड लेके गया और मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाय d, तो थ्रू आउट बाई d किया तो मुझे क्या मिला, d by u equals to d by f plus d by v, तो ये d by u का मतलब था मैग्नीफाइंग पावर, तो और एक फॉर्मूला मुझे मिल गया। एकदम चिंदी था,
यही सेम स्टेप्स नेक्स्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी सेम स्टेप्स, लेकिन उसके पहले ना आई वॉन्ट टू टेल यू सम केसेस जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एकदम सिंसियरली अब ये देखो, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम ना मैं कंपैरिजन करूंगा इसके आगे। हम लोग वापस पूरा मैग्नीफाइंग पावर का वो प्रूफ नहीं करेंगे पूरा, हम लोग कंपेयर करेंगे कि उधर ऐसा आया तो इधर भी ऐसा आएगा। तो चलो अगर केसेस करना है तो हम लोग एक दो केसेस लिख देते हैं। लेट्स अज्यूम कि इधर हम लोग लिखते हैं केस वन। ओके सो केस वन इज इफ वी इज इक्वल टू डी, इफ योर इमेज इज फॉर्म्ड एट योर डी डी वी। ठीक है, इमेज किधर बन रहा है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ बी इज आई, ये वाला देख ऋतुजा, सी मैं अलग कलर से करूं। सी ये इधर तेरा ऑब्जेक्ट है और वही एक्सेस पे इधर तेरा इमेज है, राइट राइट ऋतुजा। सो इसके हिसाब से अगर मैंने ये ट्राइंगल ले लिया तो मुझे बीटा मिल जाएगा। तो वही मैंने ट्राइंगल देख नीचे मैंने ट्रेस किया, तो नीचे ट्रेस किया तो मुझे टैन टैन लगाया, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ए बी बाय ओ बी बराबर ए बी बाय ओ बी। ओके सो ए बी बाय ओ बी से मुझे क्या मिला? ए बी को वैसे ही रखा और ओ बी समथिंग बट यू, दैट्स इट। समझ में आया कैसा था ये, किधर से क्या कैसे मैं लेके आया? ओके चलो वेरी गुड। अभी देखो ये केस देखो, केस वन क्या बोल रहा हूँ अब समझा? अब तक नहीं समझा था क्या तुम लोग को? ये भाई समझ रहे कि नहीं तुम लोग को? मैं अकेला रिवाइज, भाई मेरा सब पढ़ाई करके हो चुका है, मुझे रिवीजन नहीं करना है, सब हो गया, इंजीनियरिंग मास्टर सब हो गया, तुम मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है ना इधर। हाँ बाकी लोग नहीं, नहीं रुतुजा नहीं, मैं किसी और कॉल ने मैसेज किया मुझे समझा ना तुम? हाँ भाई तुम लोग मुझे बीच में हार्ट अटैक नहीं दोगे ना, तो थोड़ा ध्यान से। तो चलो इधर सिद्धार्थ को कुछ काम है क्या? नहीं ना। हाँ तो देखो इधर v इक्वल्स टू d मैं बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा इमेज किधर बन रहा है? d पे बन रहा है, d और LDDV और DDV, जो भी तुम्हें बोलना है, जो भी तुम्हें बोलना है, v v इक्वल्स टू d, जो भी तुम्हें बोलना है। हाँ नाम तो रोशन करना ही पड़ेगा यार। थैंक यू। चलो तो इधर v इक्वल्स टू d तुम्हें करना है, तो अभी पुट अप करो क्या है फॉर्मूला तुम्हारे पास नीचे, यूज करो ना वो फॉर्मूला, भगवान ने दिया है तुम्हें डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन वी, तो उसको यूज करो। सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? कलर अलग है, एक सेकेंड। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीफाइंग पावर इज समथिंग बट क्या है नीचे? डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन वी। ठीक है सो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो। सिद्धार्थ को कुछ काम है क्या? सिद्धार्थ सहस्त्र बुद्धे। ओके सो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग पावर विल बी डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन डी, तो डी डी कट क्या मिला तुम्हें? डी अपॉन एफ प्लस वन। समझ में आया? ये केस वन हो गया, ये याद रखना मैग्नीफाइंग पावर, ये याद रखना। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लोग को काम में आएगा, अभी 5 मिनट में। ठीक है सिद्धार्थ, तेरा वो बार बार रेज हैंड हो रहा था इसका मैंने पूछा, और कुछ भी नहीं, ये अभी हम लोग को काम में आएगा, अभी 5 ही मिनट में काम में आएगा ये। ठीक है चलो केस टू करते हैं। हाँ वीवी किया ना कैंसर, कुछ भी वी इक्वल टू डी डाल दो या फिर डी इक्वल टू वी डाल दो, अल्टीमेटली कैंसल ही होगा ना, राइट सर्वेश। चलो इफ आई टेल यू के तुम्हारा, अगर मैं ऐसा बोलू कि योर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सो इमेज इज एट इंफिनिटी, तो क्या होगा? कुछ नहीं, हमारे पास तो फॉर्मूला है, भगवान ने हमें दिया है फॉर्मूला। सो डी क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल लॉजिक। अरे कंडीशन केस है जयन, केसेस कर रहा हूँ, कैसा हुआ तो केस है वो। यस वेरी गुड, डी अपॉन एफ मिलेगा। सो इधर क्या मिलेगा हमें? इफ मैग्नीफाइंग पावर का अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो इफ योर मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन वी, वी को इन्फिनिटी डालो तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी, है ना आर्यन? वेरी गुड। सो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो। यस वेरी गुड,
सो एमपी क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर, डी ए बाय एफ। तो चलो अभी इसमें से तुम लोग क्या कंक्लूड करोगे? मैंने दो कंडीशंस में कुछ तो मैंने तुम्हें सिखाया, टाइम पास तो नहीं किया, कुछ तो कंक्लूड करना था इसके लिए मैंने सिखाया, राइट? तो तुम लोग क्या कंक्लूड करोगे? यस कोमल, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का वेट करने का, देख लेने का। वेरी गुड ऋतुजा, चलो ऋतुजा ने सही आंसर किया। हाँ आयुष, और क्या करेगा, ऋतुजा ने कुछ आंसर किया, दैट इज करेक्ट। ओके, तुहिन ने भी कुछ तो आंसर किया। ओके, BR01 ने भी किया आंसर, ठीक है। एक सिंपल सिंपल सा बताओ ना दोनों को कंपेयर करके, एक 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 ही सिंपल चीज मैंने ना, या फिर छोड़, मैं बताता हूँ, थोड़ा मदद करता हूँ। ये सब लोग एक्टिव रहो, जो जिस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो अगर तुम लोग को नहीं आ रहा है ना, नहीं समझ रहा है, तो टेल के सर डोंट नो, डोंट नो लिख दो, एटलीस्ट मुझे तो समझ में आएगा कि कौन कौन एक्टिव है क्लास में। नहीं अभी 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 चलेगा। यस वेरी गुड, हाँ ये ऋतुजा ने वापस बोला। ओके चलेगा चलेगा, सो एक्टिव रहो, थोड़ा बातचीत करते रहो, मुझे भी अच्छा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अकेला रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, सब लोग एक्टिव है, राइट है। सो इसके अंदर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दो केसेस मैंने दिए, इट टेल्स यू द रेंज। अच्छा ओके कोमल, बोलो ये समझ में आया तुम्हें क्या क्या मैं बोल रहा था? जो भी तुम्हारा मैंने सी वी एट डी मतलब क्या, मिनिमम जो हमें आग पे दिखता है, बराबर, फर्स्ट थिंग, राइट। और दूसरा वी एट इंफिनिटी, ओके, वी एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा? दोनों दोनों केसेस मैंने ढूंढे, सो आई कैन से दैट योर रेंज, इधर मैं लिख सकता हूँ, नीचे ग्रीन में लिखते हैं, सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो इधर सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी, ओके प्रणव, कैन बी एनीथिंग फ्रॉम, क्या हो जाएगा, डी बाय एफ टू 1 प्लस डी बाय एफ। सो ये तुम्हें इसमें से पता चला, देख लो पूरा, इधर सिंपल माइक्रोस्कोप अपना खत्म हुआ। और ये दो, ये जो दो केसेस अपन ने किए हैं ना, ये नेक्स्ट में केसेस में मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मैं वेट नहीं, वो वापस ये सब प्रूफ करते नहीं बैठेंगे। जो नेक्स्ट अभी आएगा ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, इजी, देख लो। अभी ये नेक्स्ट में मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ये वाला वापस नहीं करूंगा, नेक्स्ट में हम वापस करेंगे, ये वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी नेक्स्ट वाले हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज अपने पास एक और हाफ एन आवर है, खत्म हो जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों हो जाएगा, देख लो एक बार, तो अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं, बाद में लिखो ना, सीख तो लो पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर ये फॉर्मूला लिख दो, केसेस का फॉर्मूला लिख दो, स्क्रिबल कर दो, और ये एमबी का फॉर्मूला लिख दो, वो इतना एज ऑफ नाउ लिख दो। हाँ मैंने लास्ट टाइम भी किया था, वो पुराने वाला भी किया था मैंने, पीडीएफ सेंड, और लास्ट सेशन का भी मैंने किया था। और हाँ सुनो सुनो, सब लोग कितने हैं, सब लोग मैच में, अच्छा सुनो सुनो, वन स्मॉल इंस्ट्रक्शन, एक ही सेकेंड, एक ही सेकेंड, वन स्मॉल इंस्ट्रक्शन, मुझे याद आया बाद में भूल जाऊंगा, एक सेकेंड, विनित एन, वेदिका पैथंकर, आर्या कामली, सोमिल जेठानी, रिया गाला, वंशिका शाह, अक्षत तरे, नंदिश शाह, मंदार, मृदुल के, वैदवी पालव, श्रेयांश थोरावे, कोमल पटानी, श्रेयांश अगरे, लावण्या पाटिल, दृशा एंड किया। ऑल ऑफ यू ना जस्ट मैसेज हेमांगी मैम ना, बिकॉज ये सब लोग ने मुझे बोला था कि सीईटी का, इवन यू गाइस आर फोकस्ड ऑन सीईटी, सो ये मैंने रेज हैंड करने बोला था, पता है, 5-4 सेशंस पहले,
सो ऑल दिस स्टूडेंट्स जस्ट मैसेज हिमांगी मैम, एक मैसेज ड्रॉप कर दो उनको, ठीक है? आज का आज ही करना, याद से बिना भूले करना, सो दैट वी कैन वर्कआउट समथिंग विद यू गाइस, ओके? सो इतने स्टूडेंट्स, या फिर और भी कोई है? हाँ, राजदीप भी है, जो जो है एज ऑफ ना, मुझे इतने का लिस्ट मैंने लास्ट टाइम लिया था, तो इतने का लिस्ट था मेरे पास, तो इसके लिए मैंने वो उनका ही नाम लिया, और इसको एक्सक्लूडिंग भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी, हिमांगी मिस को एक मैसेज कर दो, ठीक है? आज आज का आज ही प्लीज, आफ्टर दिस सेशन ओनली, जस्ट डू इट, सो दैट थोड़ा क्विकली वी कैन टेक सम एक्शंस, नथिंग एल्स, ओके? सो फटाक से वी कैन कर सकते हैं सीईटी. मैंने पूछा था ना कि हु ऑल आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन सीईटी, सीईटी फोकस्ड स्टूडेंट्स, सो उनका मैंने एक नाम लिया था, मैंने पूछा था, सिर्फ हाई करके मैसेज कर दो, हाई मैम फॉर सीईटी, ऐसे मैसेज कर दो, ठीक है? हिमांगी मैम को एक बार सिर्फ मैसेज कर दो प्लीज. हम आज का आज, आफ्टर द सेशन अभी मत करना, आफ्टर द लेक्चर याद रखो, इतना याद रख ही सकते हो भाई, जेई नीट सीईटी वाले स्टूडेंट्स हैं. हाँ, लेट्स प्लान समथिंग भाई, वो प्लानिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत काम काज कर सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फटक से, करके रखना अश्वत, देखते फिर. और नो, ओनली सीईटी, नॉट नीट, सीईटी सीईटी. तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एकदम सिंपल, सिर्फ अभी इसमें सीईटी सीईटी मृदुल एक बार तुम लोग करके रखो, सो दैट वो अच्छा पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. चलो देखते हैं अभी इसमें व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ओके? तो चलो ऑल ऑफ यू विथ मी, सब लोग ध्यान देना इधर. तो लेट्स सी, इधर हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो डिज़ाइन करते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, और फिर अपन आगे वर्कआउट करते हैं. सो ऐसे ही सेम जो इधर हम लोग ने बनाया था वैसा ही एक बनाते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे हम लोग, थोड़ा तो बड़ा बना दो, फिर नहीं इतना भी बड़ा नहीं करते, थोड़ा सा छोटा करते हैं, स्पेस नहीं बचेगा वरना, ओके? तो चलो पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें दो चीज़ होगा फटक से, ओके? सो एक सेकंड, ऋतुजा क्या बोल रहा है? हाँ, इसमें हम लोग ने मैग्नीफाइंग लेंस और नो श्रवणी. तो देखो अभी इधर ना हम लोग थोड़ा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है. तो अभी इसमें दो चीज होगा, एक होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जहां से तुम लोग देखोगे, और दूसरा होगा तुम्हारा आईपीस, ठीक है? वन इज योर ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज योर आईपीस. तो चलो अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग कुछ वर्कआउट करना चाहे तो कैसा हो जाएगा, इधर हम लोग दो लेंसेस रख देते हैं, इधर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव तुम लोग को ऑब्जेक्ट छोटा देखना है ना, तो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा छोटू सा होगा, सिंपल लॉजिक. तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है, तुम्हें ऑब्जेक्ट कैसा है इसके अंदर, छोटा है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, छोटा होगा. और तुम्हारा आईपीस कैसा होना चाहिए, बड़ा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को तुम्हें मैग्नीफाई करना है, बड़ा करना है, तो इसके तुम्हारा आईपीस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है? सिंपल लॉजिक, ऑब्जेक्टिव और आईपीस. ऑब्जेक्ट छोटा है तो ऑब्जेक्टिव भी छोटा और आईपीस बड़ा. टेलीस्कोप में क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा बहुत बड़ा है तो ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो चलो हम लोग जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ते हैं, सो हम लोग जब उसका प्रूफ वगैरह करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वी ऑलवेज कंसिडर वन एक्सिस एट अ टाइम. एक टाइम पे एक ही चीज सॉल्व करते हैं, दो दो चीजों को कंपाइल करके सॉल्व नहीं करते कभी भी हम लोग. पहले एक चीज को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा एक्सिस को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को मिलकर कंपाइल करते हैं. सो इसमें भी सेम, हम लोग जो भी रूल्स एंड रूल्स वगैरह जो भी कुछ लगाएंगे, सो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू दैट लेंस ओनली हम लोग वर्कआउट करेंगे. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम कंसीडरिंग ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लस माइनस आएगा. इफ आई एम कंसीडरिंग आईपीस, तो आईपीस के हिसाब से प्लस माइनस आएगा, ठीक है? ये मैंने अभी दो तीन चीजें जो बोली ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. तो देखो पहले तो हम लोग इधर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सिर्फ छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने इधर रख दिया. हाँ, ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ से तू, ये ऑब्जेक्ट, ये दो दो लेंस है, दिस इज नथिंग बट अर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा. नहीं नहीं कोमल, साइज ऑफ द लेंस में बोल रहा हूँ, वैसा वो नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, ओके? तो इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा इसके सामने, और ये दूसरा क्या है तुम्हारा आईपीस. अभी आएगा सबको क्लियर होगा. तो चलो अभी ऑब्जेक्टिव पे पहला लेंस, अभी ये मैं मोटा तो नहीं कर सकता हूँ ना यार लेंस को, तो हम लोग ने दो लेंस का यूज किया. यस,
जहां पे ऑब्जेक्ट सामने रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो इधर से क्या हो रहा है, चलो इधर से रे ऑफ लाइट जाएगा, बराबर, इधर से रे ऑफ लाइट जाएगा, बराबर। सो लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, ओके। सो इधर से और लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, सो इधर एक तुम्हारा इमेज बनेगा। तो अगर इसका नामकरण तुम्हें करना हो तो नामकरण कैसा होगा, दिस विल बी नथिंग बट यू फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दिस विल बी नथिंग बट वी फॉर ऑब्जेक्टिव, और इधर तुम्हारा क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। सो इमेज का कलर क्या देना है, रेड कलर देते हैं, रेड नहीं ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। सो इधर क्या बनेगा, ये ग्रीन ही देते हैं, छोड़ ये। इधर क्या बनेगा तुम्हारा, एक इमेज बनेगा, हल्का सा बड़ा हुआ इधर इमेज, बराबर। सो इसका नाम दे दो, ये इमेज का जो भी तुम्हें नाम देना है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इमेज का नाम देते हैं A1 B1 A-B- या फिर A1 B1, जो भी तुम्हें बोलना है। अभी ये इसके हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसका साइन कन्वेंशन सा, यूओ विल बी नेगेटिव एंड वीओ विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव, ये लेंस के हिसाब से तुम्हारा साइन कन्वेंशन। अभी ये जो इमेज आया है ना, दिस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, राइट। तो अभी ये इमेज बना, अभी ये इमेज इस पे इसके रेज ऑफ लाइट फॉल फॉल होंगे, इस पे उसके लेस फॉल करेंगे, राइट। तो चलो अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए तो कैसा दिखेगा ये, चलो देखते हैं। तो सी हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, इधर वापस सेम लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, बराबर, ओके। एंड लाइन पासिंग थ्रू थोड़ा इसको दूर बना दिया, ओके, इसको थोड़ा नजदीक लेके आता है, हल्का सा नजदीक लेके आता है, ठीक है, सो दैट वो थोड़ा अच्छे से। तो चलो इसमें क्या हो जाएगा, लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, ओके, एंड लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो इसमें भी सेम होगा, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, बराबर। सो इधर से फोकस पे ये तुम्हारा रेज ऑफ लाइट ऐसे ट्रैवल करेगा, डायरेक्शन भी देखो। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा इसको, ओके। तो ये तुम्हारा फोकस है, अभी हम क्या करेंगे, इसको पीछे से हम लोग को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको पीछे से एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको भी हम लोग पीछे से एक्सटेंड करेंगे। सो हम लोग को इधर ये दोनों मीटिंग पॉइंट हम लोग को इधर किधर मिल रहे हैं, हाँ डिफरेंट रेज ना, सेम। ये देखो ये इसको ना मैंने उल्टा कर दिया है, सिर्फ देखो ये ना, ये उल्टा हो गया है, नोटिस करो थोड़ा, विजन रखो। ये जो ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला लेंस देखो, ये पूरा उल्टा हो गया, सेम ही चीज है, सेम चीज तुम्हें मिल रहा है, लेकिन हल्का सा तुम्हें इमेज उससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा मिल रहा है। तो ये जो तुम्हें इमेज मिल रहा है ना, इमेज कैसा मिल रहा है, यस, ऑब्जेक्टिव हमेशा छोटा, बिकॉज तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी छोटा है, बराबर। सो ये तुम्हारा इधर किधर तो तुम्हें इमेज मिलेगा, सो ये तुम्हारा फाइनल इमेज मिला, ठीक है। और टेलीस्कोप में उल्टा हो जाएगा, समझा ना ऋषिकेश, टेलीस्कोप में उल्टा हो जाएगा, A2, और ये इसको नाम देते हैं B2, A2 B2। अप्रोक्सीमेटली आयुष ऐसा बोल नहीं सकते। और ये जो इधर से लेके इधर तक, ये जो पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये इधर से लेके इधर तक, ये पूरा डिस्टेंस ऊपर रखते हैं, ये पूरा डिस्टेंस, दिस एंटायर डिस्टेंस इज नथिंग बट योर एल। सो अगर इसका भी अगर नामकरण तुम्हें करना हो तो नामकरण में क्या हो जाएगा, इसके नामकरण में ये इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा, यू फॉर आई पीस, ओके, ये यू फॉर आई पीस हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी फॉर आई पीस, या फिर कलर्स अलग यूज करते हैं डिफरेंशिएट करके। सो ये हो जाएगा तुम्हारा यू फॉर आई पीस, और इमेज किधर बन रहा है आई पीस का, इधर, ये हो जाएगा वी फॉर आई पीस, ठीक है। वो किधर भी रहने दो, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, यूजुअली उधर उस वो दोनों के बीच में ही आता है वो, कभी वो इतना आगे आएगा तो दिखेगा ही नहीं ना इमेज कोमल, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। सो ऐसे करके तुम्हें फाइनल इमेज दिखेगा, और तुम्हारा जो भी आंख रहेगा, तुम्हारा आंख है यहाँ पर, देखो पूरा समझ में आया रे डायग्राम,
इजी, प्लीज टेल मी। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो पूरा ए टू जेड पूरा सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग में तुम्हारा ऑब्जेक्ट छोटा है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी छोटा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा बड़ा हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बड़ा, आईपीएस छोटा, फिर बड़े को छोटे करना है ना, इसमें छोटे से बड़ा करना है, ठीक है। सो वही सेम प्रिंसिपल यूज किया, और वही और एक चीज, अगर तुम लोग को अगर विजन सेट हो रहा है तो यही सेम तुम्हारा वापस बन रहा है आईपीएस पे, लेकिन उल्टा हो गया। देखो यही सेम चीज बन रहा है पूरा आईपीएस पे, देखो ये, फिर ये बड़ा हुआ बराबर, देखो इधर भी ये पहले छोटू और ये बड़ा हुआ बराबर बराबर, आंखें देखो ऑपोजिट साइड पे, इधर भी आंखें देखो ऑपोजिट साइड पे, मजा आ रहा है ना, वेरी गुड कोमल, मस्त था। ये क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इज लार्ज एंड ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, नहीं, ऑब्जेक्टिव स्मॉल है और ऑब्जेक्ट भी तो स्मॉल है, दोनों भी तो स्मॉल है, माइक्रोस्कोप है। अरे तो छोटी चीज है ना, छोटी चीज को बड़ा बनाना है राइट। तो तेरे रेज ऑफ लाइट अगर हो गए तो कैसे हम लोग लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है और लेंस अगर मैंने तुम्हें छोटू सा रखा है तो क्या फायदा उसका, है ना। तो वैसा हो जाएगा, बड़ी चीज को छोटा करना है और तो टेलीस्कोप में यूज करेंगे, तो छोटी चीज को बड़ा करना है। डोरेमोन? नहीं, डोरेमोन नहीं, ठीक है। सो चलो इसका प्रूफ बाकी है भाई देवे, इससे भी बीटा वीटा लगाओ, थोड़ा अलग कलर यूज कौन सा करो, रेड कर लेते हैं, इधर बीटा लगाओ फटफट करते हैं। सो इधर ये छोटा सा जो ट्राइंगल तुम्हारा बन रहा है ये वाला, जिसमें इधर मैं बीटा लिख सकता हूँ, तो इधर बी वन है और इधर ए वन है, ठीक है। सो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये कितना है तुम्हारा, इतना यू ई मैंने लिखा है सर, आई डायग्राम है, री डायग्राम, ऑब्जेक्ट स्मॉल एंड ऑब्जेक्टिव लार्ज, लेकिन वैसे मैंने लिया ही नहीं है ना, तो ये तुझे दूसरा भी लेंस फिर तुझे उस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लार्ज है तो उसके हिसाब से तेरा फोकस भी उतना दूर रहेगा, रुतुजा फोकस भी दूर रहेगा, तो उसके हिसाब से तेरा इमेज भी उतना बड़ा बनेगा। तो अगर वो उतना बड़ा बन ही रहा है तो फिर हम लोग इधर सिंपल माइक्रोस्कोपी यूज क्यों ना करें, फिर तो हमें वो तकलीफ दूर करनी है, इसके लिए तो हम लोग दो दो लेंसेज यूज कर रहे हैं राइट, कि वो उसके अंदर है, तो ये समझ में आया। तो अगर चलो इधर अगर अभी मैं टैन बीटा लगाता हूँ, तो इधर टैन बीटा क्या आ जाएगा, सो टैन बीटा विल बी नथिंग बट ए वन बी वन अपॉन यू ई हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट राइट। सो ए वन बी वन अपॉन यू ई हो जाएगा, सो बीटा इज वेरी स्मॉल एंड इन रेडियंस, सो बीटा इज स्मॉल, वो कोमल 10th वाले इतना याद नहीं है मुझे, 10th मेरा 10th होके भी बहुत साल हो गए, तुम्हारे 10th का मुझे बहुत, मैंने कभी पढ़ाया नहीं इसके लिए, हाँ लेकिन क्या क्या टॉपिक से सिर्फ उतना पढ़ा है। तो बीटा क्या हो जाएगा, ए वन बी वन अपॉन यू ई हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इसके हिसाब से जो मैग्नीफाइंग पावर का अपना डेफिनेशन था तो लगाओ मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन, जो इधर हम लोग ने किया वापस लगाओ बीटा बाय अल्फा, तो डायरेक्टली करते हैं बीटा बाय अल्फा, सो एम पी इज नथिंग बट बीटा अपॉन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, चलो फटक से बताओ, बीटा भी तुम्हें पता है अल्फा भी तुम्हें पता है, सो एम पी विल बी नथिंग बट ए वन बी वन अपॉन यू ई द होल अपॉन एडिंग लेंसेज लाइक दिस एंड वी कैन गेट वेरी बिग इमेजेस। लेकिन एक एक कब तक तू करेगा वो ऐड, कब तक होगा बराबर ना, तो ये ए बी बाई डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग थिन लेंसेज हम लोग ऐड ऐड कर सकते हैं, यश थिन लेंसेज कॉन्टेक्ट में लेके हम लोग कर सकते हैं, तो उसका पावर बढ़ता है फिर। तो अगर इसको अगर रीअरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगा, ए वन बी वन अपॉन ए बी इन टू डी अपॉन यू ई, ओके। सो चलो अभी ये ए वन बी वन और ए बी, ए वन बी वन अपॉन ए बी, नोटिस करो व्हाट इज ए वन बी वन एंड ए बी, ए वन बी वन एंड ये ए बी है, ठीक है। ए बी मैंने लिखा नहीं था, ये ए बी है, सो ये ए वन बी वन और ये ए बी, मैग्निफिकेशन वेरी गुड, जो तुम लोग बोल रहे थे आज ही मैंने सीखा है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज राइट, सो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट किया हाइट, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। सो ए वन बी वन क्या है इमेज और ये क्या है ऑब्जेक्ट, सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये तुम्हें एक मिल गया राइट। सो इसको मैं ए वन बी वन अपॉन ए बी को और अलग तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, दिस थिंग इज नथिंग बट योर मैग्निफिकेशन, ओके। सो हम लोग उसको उस तरीके से वी अपॉन यू ई भी लिख सकते हैं,
राइट। सो वैसे भी हम लोग को अगर तुम्हें लिखना है तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। और ये देखो डी अपॉन यूए क्या है, डी अपॉन यूई, डी अपॉन यू, डी अपॉन यू क्या है तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर, बराबर। सो इन शॉर्ट मैग्नीफाइंग पावर किसका है, इधर मैंने क्या लिखा है आईपीस, सो ये क्या हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, ये लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ और ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस हुआ, राइट। सो इधर हम लोग क्या, अगर रीअरेंज करके मुझे लिखना है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ योर लीनियर मैग्निफिकेशन, सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू वी अपॉन यू, तो मैं इसको वी अपॉन यू के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। सो एक सेकेंड ना, कौन है यश, एक सेकेंड रुक जा। सो इधर मैं वी अपॉन यू के टर्म्स में लिख सकता हूँ ना इसको, सो ए वन बी वन अपॉन ए बी को आई कैन राइट, ये किसका है ऑब्जेक्टिव का है, सो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख दूँ। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और ये मैग्नीफाइंग पावर किसका है ऑफ आईपीस, तो अगर इसके हिसाब से अगर मुझे लिखना हो तो आई कैन डिफाइन थिंग्स, ए वन बी वन अपॉन ए बी को ऑब्जेक्टिव है, सो वी ओ अपॉन यू ओ लिख सकता हूँ मैं, वी ओ अपॉन यू ओ लिख सकता हूँ, राइट, और इंटू डी अपॉन यू ई लिख सकता हूँ, है ना। सो मैग्नीफाइंग पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, सो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये एक तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो गया। सो अगर तुम्हें साइन कन्वेंशंस, हाँ तू एक एक ही मिनट रुक जा, तो अगर तुम्हें साइन कन्वेंशंस अगर डालना हो तो साइन कन्वेंशंस के साथ कैसा हो जाएगा, कुछ नहीं, अरे देखो ए वन बी वन अपॉन ए बी क्या है तुम्हारा, ए वन बी वन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अलग गलत बात किया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर यही है तुम्हारा, राइट। सो वही मैंने किया, तो उसको वी वी अपॉन यू भी लिख सकता हूँ ना, लेकिन किसके लिए है वो, ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव का ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ जो आज ही मैंने सिखाया, मैंने पहले ही बोला कि ये मैं यूज करने वाला हूँ वी अपॉन यू, तो इधर भी मैंने वी अपॉन यू ही लिखा ना हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, और गलत तो कुछ लिखा नहीं, वी अपॉन यू ही लिखा, लेकिन किसके लिए था, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वी अपॉन यू लिखा। ये डी अपॉन यू ही क्या है, डी अपॉन यू ही पहले भी निकला, डी अपॉन यू उसका मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर, तो एक किसके किसके लिए, डी तो चलो कॉन्सेंट रहेगा, लेकिन ये किसके लिए, आईपीस के लिए, तो इसके लिए आईपीस लिख दिया। सो नाउ यू कैन ऑल्सो पुट साइन कन्वेंशंस, सो अगर साइन कन्वेंशंस अगर तुम लोग डालोगे तो कैसा दिखेगा, साइन कन्वेंशंस डालो, सो इधर हम लोग डालते हैं साइन कन्वेंशंस, तो कैसा दिखेगा, सो सी क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है, सो डी डी है तुम्हारा डी यू ओ एंड वी, डी है डी तुम्हारा, ओके चलो डी है तुम्हारा डी, जो भी तुम्हारा इमेज तुम्हारा ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है। सो डी तुम्हारा नेगेटिव हो गया, यू ओ, यू ओ भी तुम्हारा लेंस के नेगेटिव पे, और क्या तुम्हारा लेंस के नेगेटिव पे, यू ई, दिस ऑल आर नेगेटिव, ओके। और पॉजिटिव क्या है, वी ओ, वी ओ इज समथिंग बट योर पॉजिटिव, समझ में आया, नोटिस करो, देखो वी ओ ऑब्जेक्टिव के राइट हैंड साइड पे, बराबर, नहीं सिर्फ वीओ, ये फॉर्मूला कंसिडर करो, ठीक है। सो वो ऑब्जेक्टिव के राइट हैंड साइड पे, डी जो भी आएगा, डी किधर आ रहा है तुम्हारा, डी किधर आएगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा डी तुम्हारा, किधर भी वो प्लेस करोगे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा, तो डी भी तुम्हारा नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, राइट। और तुम्हारा यूई, यूई आईपीस इधर है तुम्हारा आईपीस के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब वो भी नेगेटिव हो गया, बचा क्या वीओ, वीओ सिर्फ तुम्हारा पॉजिटिव है, दैट्स इट, वही मैंने किया। तो अगर तुम लोग पुट अप करोगे तो तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर, तीन नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फाइनल वैल्यू भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव ही आएगा। तो अगर मैं इसको फाइनली लिखूँ, सो मैग्नीफाइंग पावर विल नथिंग बट माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन यूई, हेंस प्रूफ। सो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा आफ्टर योर साइन कन्वेंशंस। यस, विद रिस्पेक्ट टू आईपीस एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, सब कुछ। चलो अभी इसमें भी केसेस फटक से कर देते हैं। देखो तुम्हारे पास डी अपॉन यू ई ऑलरेडी है, और इधर भी तुम्हारा डी अपॉन यू ई था फॉर्मूला में, ये सबका मतलब क्या था, डी अपॉन यू, राइट, दिस एवरीथिंग वॉज नथिंग बट योर डी अपॉन यू मैग्नीफाइंग, बराबर। तो चलो तो हम लोग इधर डी अपॉन यू का टर्म ऑलरेडी मुझे मिला है, मैं डायरेक्टली रिप्लेस करूंगा अभी, ठीक है, जो पहले किया है वो डायरेक्टली मैं रिप्लेस करूंगा,
तो सी इसके रिस्पेक्ट से कैसे हम लोग ने किया था, वैसे हम लोग करते हैं इसको। सो इधर हम लोग अलग अलग से केसेस लिखते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं अलग कलर केस। केस वन लेते हैं। सो केस वन क्या था, वी इक्वल्स टू डी था। तो चलो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, बराबर। रीजॉइन करना यश, ठीक है। सो ऐसा कुछ आ गया, बराबर। बट आई ऑलरेडी नो डी अपॉन यू का मतलब क्या होता है। डी अपॉन यू, डी अपॉन यू, ये केस ऑलरेडी मैंने किया है, वन प्लस डी बाई एफ होता है, राइट। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वन प्लस डी बाई एफ। डी अपॉन यू ई के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ। ओके, एकदम सिंपल, तुम्हारा काम हो गया। लैग हो रहा है क्या, नेटवर्क तो फुल है मेरा, क्या पता। टू करो, केस टू करो, क्या हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं कर रहे ना। सो वी इज एट इंफिनिटी, कोई नहीं कोई नहीं, चलो वी इज एट इंफिनिटी। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, बराबर। सो इधर हम लोग ने ऑलरेडी डी अपॉन यू को फाइंड आउट करके डी बाई एफ लिखा है, वी एट इन्फिनिटी, तो वही हम लोग रिप्लेस कर देंगे वापस, ठीक है। सो वही सेम चीज रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, डी अपॉन एफ। सो पुट अप कर दो, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगा, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। तो तुम्हें और दो फॉर्मूले मिल गए, सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन वर्कआउट। अपना टेलीस्कोप सिर्फ बाकी रह गया आज, बाकी सब तो हो गया। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस बोथ ना ऋतुजा, फॉर्मूला में ऑब्जेक्टिव भी तो आ रहा है देख, और इधर आईपीस भी आ रहा है। हाँ दिस इज ओनली फॉर आईपीस, ये जो वन प्लस डी बाई एफ जो डाला ना, रिप्लेस किया वो आईपीस, ठीक है। इधर भी एफ ई डाल सकते हो, वी एट इंफिनिटी। हाँ वीओ को क्यों अफेक्ट करेगा, ऑब्जेक्टिव को क्यों अफेक्ट, ठीक है। उसमें क्या यश, इतना सिंपल तो है, क्या है उसमें, पांच छह लाइन नहीं तो बना है। ड्राइंग क्लास चालू था आज, चलो एक बार स्टार्टिंग से देख लो लेक्चर, स्टार्टिंग से जो जो आज हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ाई किया है आज, सब लोग एक बार स्टार्टिंग से देख लो सब कुछ ए टू जेड, ओके। हाँ अरे टेलीस्कोप सेम था आज, अब अपना चैप्टर खत्म हो जाता लेकिन टाइम कम पड़ा, सॉरी प्रणव, अभी चलेगा वो। हाँ स्लाइड तो शेयर करूंगा मैं, ये सारे देख लो एक बार सब कुछ, सिंपल माइक्रोस्कोप। नहीं, तुम लोग को ब्रेक भी चाहिए ना, 5-10 मिनट में हो तो जाएगा एक्चुअली, लेकिन आधे लोग ऑलरेडी लीव कर चुके हैं। कुछ है, पर नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो विल एंड इट हियर टुडे, फाइन, मिलते हैं अगले बार, थोड़ा मेहनत करो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, एंड एक बार पूरा एक बार रिवाइज करके आना, और कुछ भी नहीं, और मैसेज कर देना जिसके ऐसा नाम लिया और जिसको उसे सीईटी वाले मैम को याद से मैसेज कर देना। चलो सी यू, बाय।